السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي شرع لي ويسر لي أمري وحلو لقطة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آج في آية 31-34 تك تلاوة تفسير کروں عوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لما آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سُمَّا أرادهم الملائكة فقال أنبئوني بأسمائي هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما ألمتنا إنك أنت الأليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. من الله كي ہوں شیطان هو شيطان مردوس اللہ الله كي سے जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है और उसने सिखा दिए आदम को नाम सब उनके फिर उसने पेश किया उन्हें फरिश्तों पर फिर फरमाया खबर दो मुझे नामों की इन सब के अगर वो तुम सच्चे उन्होंने कहा पाक है तो नहीं कोई इल्म हमारे लिए मगर जो सिखाया तूने हमें बेशक तू तो ही है बहुत इल्म वाला बहुत हिकमत वाला फरमाया ए आदम खबर दो उन्हें उनके नामों की फिर जब उसने खबर दी उन्हें उनके नामों की फरमाया क्या नहीं मैंने कहा था तुमसे बेशक मैं जानता हूँ गैब आसमानों और ज़मीन का और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ वो तुम छुपाते और जब कहा हमने फरिश्तों से सजदा करो आदम को तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के उसने इनकार किया और तकबर किया और वो हो गया काफिरों में से अच्छा इन आयत को हम देखते हैं अब कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को दुनिया के तमाम मादी चीज़ों के नाम सिखा दिए और उनको उसके मुताबिक इल्म भी दे दिया उन तमाम चीज़ों के नाम जो अल्लाह ताला ने कायनात में पैदा की जो आइंदा आने वाली चीज़ें हैं फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि बताओ मुझे अब इन सब के अगर तुम सच्चे हो क्योंकि फरिश्तों ने यह कहा कि आप जो हैं वो ऐसी मखलूक पैदा कर रहे हैं जो ज़मीन में फसाद फैलाएगी और खून घाएगी तो अल्लाह ताला ने एक तरह देखा जाए तो ये फरिश्तों को चैलेंज किया अच्छा फरिश्तों के पास जो है वो इल्म उतना ही है कि जितना अल्लाह ताला ने उनको दिया है यानी हर फरिश्ता जो है वो किसी न किसी काम पे मामूर है कायनात के किसी न किसी काम पे मामूर है कोई बारिश पे मामूर है कोई पहाड़ों पे मामूर है इसी तरह मुख्तलिफ़ फ़रिश्ते मख्तलि कामों के लिए अल्लाह ताला ने मुकर किए हुए तो उनको सिर्फ अपने ही काम के मुतालिक इल्म भी दिया है लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया मुकम्मल फरमाया हर चीज़ का अच्छा उसके बाद आयत बत्तीस में क्या है कि उन्होंने कहा पाक है तू नहीं कोई इल्म हमारे लिए मगर जो सिखाया तूने बेशक तू तो ही है बहुत इल्म और हिकमत वाला दुनिया की कोई भी मखलूक है वो अल्लाह के इल्म का अहाता नहीं कर सकती अल्लाह का इल्म बहुत वसी है हर चीज़ पर छाया हुआ है इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि फ़रिश्ते अजमत का एतराफ़ करते हैं और अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं और अपनी कम इल्मी का एतराफ़ कर रहे हैं और अल्लाह की तज़ीम और हमदोसना करते रहते हैं और उन्होंने यही कहा कि हम नहीं जानते ना कि तू तो बहुत इल्म और हमत वाला है हमें तो बस उतना पता है जितना तूने हमें बताया है उसके बाद अल्लाह फिर ने फरमाया आदम अब तुम उन्हें इन चीज़ों के नाम बताओ फिर जब उन्होंने बता दिए सब चीज़ों के नाम तो अल्लाह फरमाया फरिश्तों से क्या मैंने तुमको कहा ना था कि मैं जानता हूँ आसमानों और जमीनों में पोशिदा बातों को यानि रैब का इल्म जो है सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को पता है वो किसी को नहीं मालूम और अल्लाह पाक ने कहा कि मैं वो भी जानता हूँ जो तुम जाहिर कर देते हो और मैं वो भी जानता हूँ जो दिल में छुपाते हो यानी फरिश्तों ने अपनी राय का इजहार किया था ना अल्लाह ताला के सामने एक इजहार किया था और एक दिल में छुपाया था ठीक है तो दिल में उनकी ये था कि हम तो हर वक्त अल्लाह के हमदोसना में लगे रहते हैं क्या यही काफ़ी नहीं है कि हम जो हैं अल्लाह की हमें तो अल्लाह ताला ने पैदा ही अपनी हमदोसना के लिए किया है तो हम तो इतनी उसकी इबादत करते हैं और उसकी तस्वीर करते रहते हैं तो फिर कोई और मखलूक किस लिए ती पैदा कर रहा है तो ये बात भी अल्लाह ती जान गया था ज़ाहिर है अल्लाह ताली तो दिलों के हाल को जानता है वो ज़ाहिर और पोषिदा तो दोनों का जानने वाला है जैसे मिसाल के तौर पर ऐसा अच्छा अब यह है कि फरिश्तों को हो सकता है मैं एक जगह पढ़ रही थी कि फरिश्ते जो हैं हो सकता है उनको ये हो रहा हो कि दिन रात तस्वीर तो हम करते हैं तो खलीफा अल्लाह ताला जो है वह इंसान को बना के भेज रहा है तो हो सकता है उनके दिल में ये बात भी आई हो अच्छा जैसे इसकी मिसाल हम इस तरह भी ले सकते हैं ना कि जैसे अब वालदे हैं अगर घर में और बच्चे हैं ठीक है थीके? और अगर वालदेन बच्चों के सामने कह देंगे भाई तुम्हारा एक भाई बहन और आने वाला है तो बच्चे के जहन में एकदम ये ख्याल आता है कि ओ हो क्या मैं काफ़ी नहीं था कि एक और बच्चा आ जाएगा तो मेरी तो वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी लेकिन बाज़ अवत ये होता है बाज़ बच्चे दिल में रखते हैं वो उसकी ज़बान पर नहीं लाते इंसान की नफसियात कह लीजिए कि वो अपने अलावा किसी का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता आप ऑफिस की ले लीजिए ना मिसाल कि अगर एक ऑफ़िस में काफ़ी लोग होते हैं और अगर एक ही डेजिग्नेशन पे दो लोग होते हैं एक ही तरह के काम दो लोग कर रहे होते हैं तो उनको ये मतलब होता है कि हम ही काफ़ी थे एक और को रखने की ज़रूरत क्या थी तो इस तरह ये मुकाबलेबाजी चलती रहती है फ़रिश्तू पाक ने फरमाए कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते फ़रिश्तों और इंसानों की इबादतों में फ़र्क है ठीक है फरिश्ते तो अल्लाह की हमदोसना के लिए पैदा किए गए ठीक है वो अल्लाह की तस्वीर हम वक्त करते रहते हैं ठीक है फ़र्क क्या है इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है दुनियावी दुनियावी तमाम अमूर के साथ अपने नफ्स के साथ शैतान के साथ तमाम दुनियावी मशाकिल के साथ काम धंधों के साथ देखिए इंसान को रोजी रोटी खुद कमानी पड़ती है आना जाना खुद पड़ता है बहुत सारे काम पढ़ना होता है इल्म हासिल करना होता है तो अगर इन सब कामों के बावजूद दुनियावी वो अल्लाह की तरफ आए तो ये एक बहुत बड़ी बात ठीक है ना क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान की को पैदा अपनी इबादती के लिए किया है लेकिन इंसान को क्योंकि अक्ल शुरम फरासत दी है और इख्तियार दिया है और मर्जी दी है और उसको ये एहसास दिया है कि उसको कमाना है उसको बच्चों को तालीम दिलानी है मुख्तलफ़ के कामों के लिए उसको जिदोजहद करनी पड़ती है उसके साथ वो इबादत के लिए वक्त निकालता है और इबादत ऐसी जिसमें वो अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस करता है और उसके साथ इबादत करता है बहुत ख़ुलूस के साथ इनकसारी और आजज़ी के साथ अच्छा अल्लाह ताला की इबादत सिर्फ़ तस्वीर करने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह ने इंसान को अकल शूर व फरासत से नवाजा है तो उसके मुताबिक उसे इल्म भी दिया है ठीक है इल्म दुनियावी भी और इल दीन भी, भी दुनिया के लिहाज से भी उसको इल में उबूर हासिल होता है और दीनी एतवार से भी उसको इम में अबूर हासिल होना चाहिए कि क्या चीज़ अल्लाह के नज़दीक सही है और क्या चीज़ अल्लाह के नज़दीक गलत है फरिश्तों के मुकाबले में हजरत आदम सलाम के पास ज़्यादा था और चौतीस वायत में है कि और जब हमने कहा फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो और उसने सजदा किया सिवाय इबलीस के उसने इनकार किया और तकबर किया और वो काफिरों में से हो गया अच्छा इस आयात से हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं कि फरिश्ते तो अल्लाह का हर हुक्म बचा लाते थे ख्वाब हुक्म इंसान के आगे सजदा करने ही का क्यों ना हो अल्लाह का हुक्म जूँ का तू मानना भी इबादत है ये फरिश्तों की बहुत बड़ी अज़मत की निशानी है कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर हज़रत आदम को सजदा किया और उसके मुकाबले में इबलीस जो जिनों का बाप था उसने इनकार कर दिया और उसने अपने तकबर की वजह से इनकार किया क्योंकि उसको क्या था उसको अपने इल्म पर और अपनी इबादत पर बहुत जोर था बाज जगह मैंने पढ़ा कि असल में उसके वही बात होती है ना कि आप ज़ाहरी इबादत जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना हो ठीक है तो शैतान जो इब्लीस जो इबादत किया करता था वो ज़ाहरी इबादत थी अगर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती ना तो फिर वो इनकार नहीं करता फरिश्तों की तरह वो भी सजदा कर लेता सुरा आराफ आयत नंबर बारह में है उसने कहा मैं उनसे इनसे बेहतर हूँ यानी मैं इंसानों से बेहतर हूँ पुराने पाक की एक और जगह है पुराने पाक में कि उसने कहा मैं उसको सजदा करूँ जिसको तूने ने से बनाया इसकी हर बात में आप देखें तकबर झलक रहा है हर बात में तकब्बर है उसके वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता था अच्छा मेरे जहन में भी ये बात थी और आप लोगों के जहन में भी ये बात होगी ये इब्लीस तो जिन था तो और अल्लाह ताला ने तो फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया था तो इब्लीस फ़रिश्तों के दरमियान कैसा है अब इब्लीस का बाप था और बेहद इबादत गुजार था और बहुत हासिल किया हुआ था उसने हर मामले में और उसकी इबादत बे इंतहा ज़्यादा थी इसलिए वो फरिश्तों के साथ रहा करता था यह बात भी पता चलती है कि बाज़ अव अच्छी सोबत भी कोई फ़ायदा नहीं देती जब तक के अंदर इफ्लास ना हो और या, यानी अल्लाह का इतात गुजार होना ज़रूरी है इधर इबरीस का मसला क्या था कि वो ज़ाहरी इबादत करता था ज़ाहरी इबादत फ़ायदा दे ही नहीं सकती इबादत तो वो है कि सर झुके तो साथ आपका दिल भी झुके असल इबादत तो ये है कि अल्लाह के सामने इंतहाई आज़ीज़ी से माथा टेकना बहुत इनके शादी के साथ खुलूस दिल के साथ इबादत करना जो महज दिखावा न हो और एक और बात यह है कि इंसान के साथ दो तरह के रवैये हैं एक शैतानी और एक फरिश्तों का रवैया ठीक है अब बात वही अख्तियार की आ जाएगी कि इंसान कौन सा रवैया चुनता है अपने लिए शैतानी रवैया मतलब तकबर इनकार जैसे कि इब्लीस ने किया अल्लाह का हुक्म नहीं माना या फरिश्तों का रवैया अल्लाह के आगे सर तस्लीम खत्म करना और अपने से कमतर के आगे भी झुकना क्योंकि वो हुक्म इलाही है यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं आयत नंबर चौंतीस तक अच्छा हाँ एक बात और मैं मुझे बहुत अच्छी लगी थी जो मैंने आखिर में तमाम मलाइकों को सजदे की ज़रूरत क्या थी क्या ये सिर्फ़ ताज़ीमन था अगर ताज़ीमन था ये सजदा या किसी और शय की तज़ीम थी या इंसान की ताज़ीम थी अच्छा कुरान पाक में क्या है जब मैं उस आदम की तख्लीक़ कर लूँ और उसमें अपनी रूह में से रू फूक दूँ तब गिर पड़ना उसके सामने सजदे पर इसका क्या मतलब है के असल तज़ीम उस रफ्रू की है जो अल्लाह ने अपने अंदर से हसरत आदम सलाम में पोकी थी बस अल्लाह ताला की तिकमत है और अल्लाह ही जानता है कि उसकी हमत क्या है और वो किस तरह अल्लाह ताला ने बस हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पैदा किया है और अल्लाह ने हमें ये तोफ़ी दी है कि हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं बस अल्लाह ताला हमें नाफ़रमानों में सना बनाए हमें अल्लाह ताला का फरमा बरदार बनाए हमेशा और पढ़ते रहें समझते रहें और इसकी आयात पर और करें और इल्म के साथ अमल भी करें आमीन रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम